हिसाब से रोटावेटर के लिए कामयाब चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। उससे अपने क्लच प्लेट पे भी नुकसान होता है, वो पीछे रोटावेटर बार बार झटके लेके चलता है। ट्रैक्टर रुके, रोटावेटर रुकेगा, फिर झटके से वो चलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाइयों, जो आज का वीडियो वो है कि आप रोटावेटर को चलाना कैसे सीख सकते हैं। कुछ सेटिंग है आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी और ट्रैक्टर डीजल खपत भी कम करेगा और RPM भी नहीं तोड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करें तो भाई, ट्रैक्टर और रोटावेटर का तालमेल एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने गियर वाला वीडियो बनाया, आप वो जाके देख सकते हो कि आप गियर कैसे सेट कर सकते हो। इसमें मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी बता दूंगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने ट्रैक्टर के रोटावेटर पे आसानी से कैसे चला सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई ट्रैक्टर और रोटावेटर को फानते समय। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने नीचे की दोनों लिफ्ट की पट्टियों को लगा लेना है, उसके बाद शाफ्ट को लगाना है और उसके बाद टोपलिंग लगाना है। पहले टोपलिंग लगाओगे ना तो ये शाफ्ट ठीक से नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है खड़े होने की। तो पहले ये दोनों साइड की पट्टी, फिर अपनी शाफ्ट और उसके बाद टोपलिंग। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अपने टोपलिंग को सेट करते समय, जैसे ये बराबर सीधा लेवल है ना, आपको कुछ इस प्रकार का लेवल अपने रोटावेटर का रखना है ना। आगे झुका हुआ रखोगे ना तो वो ज़्यादा अंदर कटिंग करेगा, और ऊपर उठा हुआ रखोगे ना तो वो मतलब अंदर तक नहीं जाएगा। तो आप बराबर लेवल पर रखो, उसको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ना रोटावेटर थोड़ा इधर जाना चाहिए ना इधर। इसमें आपको थोड़ा सा दिखेगा तो इतना चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सेट हो सकता। बिल्कुल इस प्रकार अगर आपकी जो अपने शाफ्ट रहेगी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो उसके शाफ्ट के टूटने की संभावना बनती है। उसके बाद आपको मेन सेटिंग करनी है अपने पीछे इस पट्टे की। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप जैसे सूखी मिट्टी में चला रहे हो ना, तो आपको नीचे का पॉइंट में लगा लेना है ये, और इसको आपको टाइट रखना है। जितना आप इसको टाइट रखोगे और जितना अगर आप इसको नीचे लगाओगे ना, तो आपको बढ़िया लेवल में करके देगा ट्रैक्टर। जैसे मेरा अभी बीच में लगा है, क्योंकि मैं गीली मिट्टी में चला रहा था इससे पहले, तो अब मैं सूखी में चला रहा हूँ ना, तो मैं खुद इसे अभी आपको नीचे करके लगा बता दूंगा। इसमें क्या रह रहा है, जैसे आप देख सकते हो, अगर आपको कैमरा दिख रहा है, थोड़ा उठ उठ के चल रहा है पीछे की तरफ। इस पर जितना प्रेशर रहेगा उतना आपको बढ़िया लेवल करके देगा रोटावेटर। तो ये आपको कुछ सेटिंग है, आपको मैंने बता दी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हाँ किसान भाई, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो साइड के अपने हेल्पर लगे हुए रहते हैं पत्तियाँ ना, इन्हें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इन्हें जितना नीचे करोगे ना, उतना ट्रैक्टर पर कम लोड पड़ेगा और उतनी गहराई कम होगी, और जितना ऊपर करोगे ना उतना ट्रैक्टर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा और गहराई बढ़ेगी। तो अपने हिसाब से आप, ये दोनों साइड लगी होती है तो आप अपने हिसाब से गहराई इसके हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कितनी गहराई चाहिए। दोनों साइड आपको बराबर सेट कर रखनी है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम रखोगे ना, क्योंकि रोटावेटर में ऐसा रहता है ज़्यादातर ट्रैक्टर के हाथ में इसको कंट्रोल नहीं रहता, मतलब गहराई का इसमें पत्तियों पर रहता है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टोपलिंग का हो गया, रोटावेटर हो गया, मतलब पीछे का अपना पूरा अपना हिस्सा हो गया। अब आपको मैं ट्रैक्टर पर बताता हूँ आपको क्या करना है, कौन से गियर में चलाना है ये भी मैं बता दूंगा, और कितने RPM पे चलाना है मैं ये भी बता दूंगा। तो गियर की अपन बात कर लेते, सबसे पहले हाई लो मीडियम ट्रैक्टर, मतलब 3 स्पीड ट्रैक्टर है ना, तो आपको चलाना है मीडियम के। जैसे ये मीडियम का पहला, अगर आपको अच्छी बारीक मिट्टी चाहिए और कम चाहिए तो दूसरा, और बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए बहुत ही ज़्यादा तो तीसरे में आप लगा सकते हो। तीसरे में तो नहीं बोलूँगा कि आप लगा, लेकिन एकदम जिसे बोलते हैं ना आपको घसरा करना है, तो आप तीसरे में लगा सकते हो। और एच मतलब हाई गियर में आप चला सकते हो इसे, हाई के पहले में। लो गियर की अपन इसमें बात ही नहीं करते, हाई लो मीडियम ट्रैक्टर में लो गियर लगाने की आपको जरूरत नहीं रोटावेटर पर। अब अपन बात करते हैं हाई और लो ट्रैक्टर शिप में, तो उसमें आप चला सकते हो लो के तीसरे और लो के चौथे गियर में। पहले गियर में भी आप चला सकते हो, अगर आपको ज़्यादा बारीक मिट्टी नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से आप लो के तीसरे चौथे में चलाओगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी लो के तीसरे गियर में। और अपन बात करते हैं क्लच की। अगर देखो जैसे ये है अपना सिंगल क्लच हो गया, और उसके साथ ये हो गया अपना डबल क्लच, और एक होता है सिंगल क्लच, डुअल क्लच और डबल क्लच। ये डबल क्लच है, साइड में अलग से आपको इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिलता है, और साइड में इसमें आपको अंदर की तरफ अलग से PTO क्लच मिलती है, जिससे कि अगर इसमें नुकसान होगा तो ट्रैक्टर में कोई प्लेट में नुकसान हो, ट्रैक्टर की में हो तो इसके नुकसान हो। इसकी 10 इंची की प्लेट है और ट्रैक्टर की 12 इंची की प्लेट है। उसके बाद अपना हो गया सिंगल क्लच, मतलब पूरा क्लच दबाओगे ट्रैक्टर रुकेगा, रोटावेटर रुकेगा। तो वो मेरे हिसाब से रोटावेटर के लिए कामयाब चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। उससे अपने क्लच प्लेट पर भी नुकसान होता है, वो पीछे रोटावेटर बार बार झटके लेके चलता है। ट्रैक्टर रुके, रोटावेटर रुकेगा, फिर झटके से वो चलेगा। डुअल क्लच होता है, यहाँ तक क्लच दबाया अपना ट्रैक्टर रुक गया, यहाँ तक दबाया अपना अपना रोटावेटर रुक गया।
आजकल तो इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच ज़्यादातर मिल जाता है आपको, लेकिन अगर आप थोड़े कम पैसे लगाओगे तो आपको डुअल क्लच मिलेगा। डुअल क्लच डबल क्लच दोनों बढ़िया है रोटावेटर के लिए, लेकिन एकदम बेस्ट तो आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच ही मिलेगा। यहाँ पे अपना हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स पीटीओ, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे ट्रैक्टर में मल्टी स्पीड मतलब 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, तो उनकी हम बात नहीं करते। आपको सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स पर अपने ज़्यादातर ध्यान देना है। इकोनॉमी पीटीओ और महिंद्रा में ऐसा है, इसमें आप 1500 RPM पर चलाओगे ना तो अपने आप ये 540 RPM पकड़ लेगा, मतलब ऑटोमेटिक 2 और 2140 पकड़ लें। जॉन डियर में क्या रहता है, यहाँ पर एक अलग से लीवर रहता है, उससे आप इकोनॉमी और बहुत सारे ट्रैक्टर रहता है इकोनॉमी और अपना पावर पीटीओ कर सकते हो। इसमें अलग से ही कंपनी ने मतलब अंदर ही बना के दिया ऐसा सिस्टम कि आप अपने आप ट्रैक्टर RPM के हिसाब से अपनी स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है किसान भाइयों, तो ये तो हो गया अपना सारा ट्रैक्टर का मैंने आपको बता दिया, और RPM भी मैं आपको बता देता हूँ। RPM बहुत सारे किसान भाई की अगर तो पूरे RPM, जितने ज़्यादा RPM दोगे ना ट्रैक्टर उतने ज़्यादा RPM तोड़ेगा। सीधी सी बात है, पंजाब वाले वीडियो देखकर आप रोटावेटर चलाओगे ना तो भाई वो नहीं हो पाएगा, उधर की मिट्टी कंडीशन अलग है और हमारे इधर मिट्टी कंडीशन बहुत अलग है। जितने ज़्यादा RPM दोगे, 2000 RPM दोगे ना तो ट्रैक्टर 1500 पे आ जाएगा, 1500-1600 कोई सा ट्रैक्टर हो नहीं चला सकता भाई। जितने ज़्यादा मेरे हिसाब से आप 15 के अंदर अंदर चलोगे ना और 11 के ऊपर ऊपर चलोगे तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको रोटावेटर निकाल के देते आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बारीक मिट्टी, कैमरे में नहीं दिख रही लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक मिट्टी रोटावेटर ने करके दे दिए। तो ये सबसे मैं 15 और 12 के बीच में ट्रैक्टर को चला रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ट्रैक्टर निकाल के दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा मैं चला के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कहना है, अगर आप रोटावेटर चला रहे हो ना तो बिना रेस दिए अगर आप क्लच दबाओगे तो ट्रैक्टर RPM तोड़ेगा। तो आपको पहले ट्रैक्टर को रेस दे देनी है, थोड़ी रोटावेटर पे रेस की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपको इसको चालू करना है और उसके बाद अपने को तो जैसे कि आपने देखा कोई भाई बड़ा झोल झमेला नहीं है, सिर्फ ये छोटा सा आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है और बाकी आपका ट्रैक्टर बढ़िया रोटावेटर चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब हो गया अपना, उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है अगर रोटावेटर चल रहा है ना तो आपको पूरा इसको नहीं उठाना है और ना ही इसको नीचे बिठा के आपको ट्रैक्टर घुमाना है। नीचे बिठाओगे तो घुमाओगे तो भी नुकसान होगा, ऐसे मतलब तीरछा तीरछा रोटावेटर जाए तो भी नुकसान होगा, कंपनी मना करती है। पूरा उठा के अगर घुमाओगे ट्रैक्टर को तो भी नुकसान होगा साफ टूटने का। थोड़ा सा आपको जमीन से इतना उठा लेना कि जमीन में ना घसाए रोटावेटर, फिर आपको पलटाना है। ठीक है किसान भाइयों, तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।